हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज एक बहुत जटिल टॉपिक पर बात करना चाहूँगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश करूँगी कि आसान भाषा में आपको बता सकूँ। आज हम बात करेंगे कर्म की। कर्म क्या होता है? क्या कर्म सिर्फ यही है कि जैसा हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, जो हम बीजेंगे वो हम काटेंगे? इज इट दैट सिंपल? एक्चुअली कर्म ये तो है ही कि जो आप करोगे सो आप भरोगे, लेकिन ये सिर्फ एक एक्शन तक लिमिटेड नहीं है। कोई काम आपने किया और उसका फल आपको मिला, ये उतना आसान नहीं, उतना सिंपल नहीं। कर्म एक्चुअली आपका इंटेंशन है। तो जो काम आप कर रहे हैं वो करते हुए आप क्या सोच रहे हैं, वो असली कर्म है, और उसी का आपको फल भी मिलता है। एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। एक इंसान चाकू उठा रहा है किसी को मारने के लिए, और वहीं एक डॉक्टर चाकू उठा रहा है किसी का ऑपरेशन कर उसे ठीक करने के लिए। तो दोनों का काम एक तरीके से सेम है, लेकिन दोनों की भावना अलग है। सो व्हाट यू आर थिंकिंग व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इज एक्चुअली योर कर्म। फिर तो ये बदलना आसान भी है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उसको बदल लीजिए तो आपका कर्म भी बदल गया। लेकिन सारा खेल तो जीवन में सोच बदलने का ही है ना। सोच को बदलना ही तो सबसे मुश्किल काम भी है, क्योंकि सोच हमारी कई बार हमारे अपने बस में होता भी नहीं। कई बार हम कुछ कुछ बातें किसी किसी तरीके से सोचने के आदि हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु अपनी किताब कर्मा में कहते हैं कि ये आपकी मेमोरी है। बहुत तरीके की मेमोरी इधर उधर स्टोर है। हमारी एक डीएनए में मेमोरी है, हमारी एक बॉडी की अपनी मेमोरी है, कुछ आदतें हमें पड़ी हुई हैं। ऐसे ही कुछ सोचने की आदतें, कुछ भावनाएं भी हमारी बचपन से गहरी बनी हुई हैं। तो जब आप अपने आप को चेतना के स्तर पे बदल सकते हैं, यानी कि कुछ करने से पहले आप अपनी सोच को समझ सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे इसे बदल देना है, तब आपका कर्म भी बदल जाएगा, और आपके कर्म बदलने के साथ ही आपका भाग्य भी बदल जाएगा। तो दोस्तों, कर्म को बदलने के लिए आपको अपनी मेमोरी पे काम करना पड़ेगा, अपने संस्कारों पर काम करना पड़ेगा। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं तो समझना होगा कि फिर मुझे भी ये द्वेष कहीं और से मिल सकता है। और अगर आप किसी से प्यार रखते हैं, जनरल में सभी से प्यार रखते हैं, तो फिर वही भावना आपको वापस मिलेगी। सो इट इज बेसिकली व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव, बट इन योर माइंड। ये आपकी सोच से शुरू हो जाता है, केवल एक्शन से नहीं। कई लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कुदरत को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो भावना है, फल उन्हें उसी का मिलेगा। एक राजा एक साधु को बाहर ले गए घुमाने अपने राज्य में, और कहीं दूर से बताते हैं कि वो जो गायें चर रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सींगों वाली गायें, ये मेरे द्वारा दान की हुई गायें हैं। तो साधु ने कहा, बस यही तुमने अपना कर्म खराब कर लिया। अगर तुमने दान ही कर दिया था तो फिर तुमने याद क्यों रखा कि तुमने दान किया है? तो अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका फल मुझे मिले, तो पीछे कोई लालच नहीं होना चाहिए, वरना आपको इस तरह के मौके मिलेंगे जहां आपको और लालच की भावना रखनी पड़ेगी। तो आप गुड कर्म और बैड कर्म को केवल इतना समझें कि दोनों कर्म ही हैं। और इन सबसे परे जब आप तीसरे कर्म की ओर बढ़ते हैं, जब आप निष्काम कर्म की ओर बढ़ते हैं, जो कोई कर्म है ही नहीं, ना तो वो अच्छा कर्म है ना बुरा, ना उसका अच्छा फल मिलेगा ना बुरा, बस वो आपको करना है। निष्काम कर्म के बारे में भगवद गीता में बहुत विस्तार से लिखा है, लेकिन आपको बहुत सिंपल तरीके से इसे बताती हूँ कि ये है क्या। ये बस आपकी ड्यूटी है, एक गिवन सिचुएशन में अपनी छोटे से व्यक्तित्व से ऊपर उठकर, अपनी थोड़ी देर के लिए एक निस्वार्थ भावना में आकर, जब आप कोई कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि वो करना चाहिए, उससे हो सकता है आपको उस समय कुछ नुकसान ही हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप करते हैं क्योंकि वो सही कर्म है, तो वो निष्काम कर्म है। और अच्छा और बुरा कर्म आप ना सोच के बस ये सोचते हैं कि ये मेरा काम है और मैं इसका फल भगवान को अर्पित करता हूँ, फिर तो भगवान आपकी जिंदगी की बागडोर संभालते हैं। उसके बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, उसे समझने के लिए आपको उस भावना में आना होगा, निष्काम कर्म को अपनाना होगा।
देन यू विल सी हाउ इट क्रिएट्स मिरेकल्स इन योर लाइफ। सो दोस्तों, अच्छे बुरे कर्म सोच से हैं, फल दोनों का है, लेकिन निष्काम कर्म चमत्कार की तरह आपके जीवन को आगे लेके जाएगा। तब आप होंगे कर्म योगी, एक ऐसे योगी, योगी मतलब जो योग में है ईश्वर से और जो कर्म भी कर रहा है, ऐसे कर्म योगी जिसके जीवन को ईश्वर खुद आके लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी अच्छे नोट पे मैं इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हैंडल करते हुए कुछ लाइनों से इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। शायद वो लाइनें आपको अच्छी लगें और उसमें इस वीडियो का सार भी है। किस्मत से परे है और है कर्मों से ऊपर, किस्मत से परे है और है कर्मों से ऊपर, जब खेल सारा मेरी सोच बदलने का ही है तो होगा भी क्या बेवजह दुखी होकर। थैंक यू।